गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी ब्लॉग पोस्ट को जो है लिखने से पहले हमें कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह से करनी होती है। मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च जो है वो करी जाती है। सो गाइस हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन करता हूँ और ब्राउजर ओपन करके तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, किस बेस पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जो है यहाँ पे लिखना है आर्टिकल। तो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इसमें कीवर्ड रिसर्च बताऊं उसके लिए आपको कुछ जो है टूल की रिक्वायरमेंट है और इस टूल को कहते हैं कीवर्ड एवरीवेयर। तो अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप जो है मोजिला वगैरह कर रहे हैं तो आप उसका भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके का ऊपर में दिखाई देगा। बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा कि कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग लिखा और यहाँ पर स्क्रोल डाउन करते तो आप देखते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स जो यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल गए। बट हमें इनके ऊपर जो है काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे पीपल अल्सो सर्च फॉर पे काम करना है। इसमें से जो हम टॉपिक लिखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पर मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं तो उनको आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक नोट पैड ओपन कर लेना। नोट पैड के अंदर आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग बुक्स लिख सकते हैं अगर हम कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग, या ये अगर आप ये चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं एफिलिएट मार्केटिंग के जिनके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं तो वो हमारा एक टॉपिक हो गया। तो अभी हम जो है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग और हमारा यहाँ पे जो है अमेजोन लिख देते हैं। Amazon हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। इसी तरह से जो है हम कंपनीज के बारे में बता रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट लिख दिया और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक बैंक। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद और कोई यहाँ पे आपको दिख रही है क्या, आप वो यहाँ पे सर्च कर लें। तो यहाँ पे आप हम एग्जांपल क्योंकि इंडिया के अंदर है तो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया लिख सकते हैं। यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, तो ये हमारे कीवर्ड से फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गए। अब इनके ऊपर जो है हमें ये तो देखना है कि हमने यहाँ पे कीवर्ड तो ले लिए लेकिन इन कीवर्ड्स के बेस के ऊपर हमें जो है ट्रैफिक इनके ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। बेसिकली यहाँ पर अगर इस कीवर्ड टूल का इस्तेमाल करते हो कीवर्ड एवरीवेयर का तो यहाँ पे आपको कुछ फ्री के अंदर इनिशियल स्टेज पे जो है वो मिल जाएंगे, क्रेडिट उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चार्जेबल है। तो मैं आपको फ्री का तरीका बताता हूँ कि फ्री का कैसे करना है। ये आपने यहाँ पे लिस्ट बना ली, इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज करना, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो है यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका अकाउंट है गूगल का उसके जरिए आप इसको साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद यहां पर आप क्लिक करोगे और यहां पे क्लिक करने के बाद ये रहा आपका कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहां पर हम आ जाते हैं। तो यहां पे आप लिखा डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पर जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम यहां पर लिख देंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये मेरा पहला कीवर्ड हो गया, राइट। इसके बाद जो है मैं यहां पे दूसरा कीवर्ड लेता हूं, दूसरा कीवर्ड भी यहां से कॉपी कर लेता हूं और दूसरे कीवर्ड के ऊपर भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और तीसरा कीवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और इसी तरह से मुझे जो है जितने भी मेरे कीवर्ड्स हैं सभी को एंटर करना है और फिर यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करा तो अब आप देख सकते हैं हमने जो कीवर्ड डाले तो यहाँ पे लिखा हो कीवर्ड यू प्रोवाइडेड, तो हमने जो कीवर्ड प्रोवाइड करे हैं वो आपको सबसे पहले दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मंथली एवरेज मंथली जो है सर्च कितना होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन पे 10,000 से 1,00,000 जो है यहां पर मिलता है और यहाँ पे कंपटीशन भी आपका लो है यहां पर, राइट। तो हम जो है यहाँ पे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहीं पे हमने एफिलिएट मार्केटिंग फ्लिपकार्ट भी लिखा लेकिन यहां पर जो है मंथली सर्चेज सिर्फ आपके 10 हैं।
और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा है हमारे पास यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे क्लिक बैंक। तो इसमें जो है 100 से लेके 1000 तक जो है आपकी मंथली सर्विस सर्चेज आती हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है और इसका कंपटीशन भी जो है यहाँ पे लो दिखा रहा है, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और नए इसके हिसाब से जो है आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, इनमें से अगर आपको यूज करना चाहते हैं वो भी आप कीवर्ड लिख सकते हैं। बट अभी हमने जो यहाँ पे 3-4 कीवर्ड किए उसमें से ये फ्लिपकार्ट वाला जो है हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। और फाइनली से फॉर एग्जांपल ये इंडिया वाले को हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो जो है यही हमारे मेन कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमें जो है फोकस करके अपने पूरे आर्टिकल को लिखना है और इन कीवर्ड्स का ही हमें इस्तेमाल करना है, राइट। तो ये है आपका कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका ब्लॉगिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो है बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया कि आप एक साथ जो है कितने भी कीवर्ड्स हों तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से आप चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करने हैं कुछ कीवर्ड्स तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, तो इनको आप जिसको भी हटाना है उसको हटाकर आप दूसरी चीजें करना चाहते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो है मैं ऐसा रिसर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है पूरे कीवर्ड्स हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1 लाख से 1 मिलियन तक जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किया जाता है, लेकिन कंपटीशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मीडियम आ रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग पे मीडियम है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे मीडियम है, लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग पे आपका लो है। इस तरह से जो है हम अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया जैसे अभी हमने लिख दिया था कि एफिलिएट मार्केटिंग फ्लिपकार्ट, अगर हम उसके ऊपर कोई भी काम करते तो ना तो हमें कोई ट्रैफिक मिलता, हमें मेहनत भी करनी पड़ती, हमने ट्रैफिक भी जो है हमें नहीं देखने को मिलता। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च जो है वो सबसे पहले इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए, उसके ऊपर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिले। तो आई होप कि आपको जो है कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी होती है ब्लॉग के लिए वो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है तो आपको चीजें जो है बहुत ही क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तभी आपको जो है वहां पर रिप्लाई देन एंड देयर मिल जाएगा और आने वाले वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं जो है बहुत ही जल्द दे सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ गाइस।